तारे ही तारे। महान जासूस शर्लोक होम्स और उनके मित्र डॉक्टर वॉटसन एक बार जंगल में कैंप लगाने और पिकनिक मनाने पहुंचे। डॉक्टर वॉटसन ने पूछा, होम्स, तुम कठिन से कठिन केस सुलझा लेते हो, ऐसा कैसे कर लेते हो? शर्लोक होम्स ने कहा, देखो, तुमको किसी भी चीज के तह तक जाना हो तो तर्क लगाओ, किसी चीज को वो जैसा है वैसा ही मत देखो। सोचो कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ। मैं भी तुम्हारी तरह महान जासूस बनना चाहता हूँ। ठीक है, आज से हर चीज में तर्क लगाना शुरू करो। देर रात तक बातें होती रही और बाद में खाना खाकर दोनों अपने टेंट के अंदर जाके सो गए। रात में शर्लोक ने अचानक से डॉक्टर को जगाया। वॉटसन, ऊपर देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? डॉक्टर वॉटसन समझ गए कि उनको तर्क लगाकर बोलना है और जो जैसा है वो वैसा क्यों है और जो जैसा नहीं है वो वैसा क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह। वो अपना चश्मा लगा के बैठ गए और गला साफ करके बोलने लगे, एस्ट्रोनॉमी के अनुसार इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में लाखों तारामंडल हैं और करोड़ों ग्रह ज्योतिष के अनुसार मुझे लगता है शनि इस वक्त सिंह लगन में है। समय विज्ञान से मैं बता सकता हूँ कि इस वक्त 3:45 हैं। अध्यात्म के अनुसार मैं कहता हूँ कि भगवान कितना शक्तिशाली है जो इतने सारे तारे और ग्रह बनाए। मौसम विज्ञान से बोलूँ तो आसमान साफ है और कल एक सुबह तेज धूप निकलेगी। फिर शर्लोक होम्स की तरफ देखकर बोले, तुमको क्या लगता है होम्स? अबे गधे, इसका मतलब ये है कि किसी ने हमारा टेंट चुरा लिया है और हम खुले आसमान के नीचे हैं।